कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। वो बस तबीयत जरा नासाज थी, इसलिए मेहमान खाने में बैठ गया। अगर तबीयत सही नहीं है तो तबीब को बुला ले सरिया का। अब मैं बेहतर हूं सरदार। इस तलवार से मेरी जज्बाती वाबस्तगी की वजह से शायद आप कह रहे हैं, ये काम तो कोई भी खिदमतगार कर सकता है, आपको जहमत की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है सरदार, यकीनन ये काम इतना गैर आम नहीं है। इस्माइल को ढूंढ रहा था, शायद वो यहां नहीं है। रुके, वो अंदर ही है, बुलाकर लाती हूं। तुम्हारा पुराना नाम मुझे नहीं मालूम, मगर आज से तुम्हारा नाम आदम है, इसे याद रखना। मैं तो हैरान हूं कि शेख को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, जबकि मैंने उनको अपना नाम बताया ही नहीं। क्या उसने जब तुम्हें भटका हुआ पाया तो सीधी राह न दिखाई? कहाँ इरशाद है ये सूरह अज़्ज़ुहा की 7वीं आयत करीमा में? क्या तुम भटकते नहीं फिर रहे थे? क्या तुम शैतान के असीर नहीं थे? शैतान तुम्हारे जज्बात पर उंगलियाँ कर दे तो तुम अपने आप को हिदायत दे सकते हो क्या? उसे एक बार बार अंगेखता करने तो दो, वो बरंगेख्तगी की हालत तुम्हें जिब्राइल की खुर्बत से ज्यादा खुशगवार महसूस होगी। याद रखें कि अक्ल और इंसान को हमेशा सिर्फ अपने ही मकतूब नहीं पढ़ने चाहिए, कभी दोस्त का मकतूब भी पढ़ना चाहिए। पढ़ने वालों और अकल वालों के लिए हर चीज आश्कार होती है, तो सीधी राह क्या है फिर? कहां से आती है, कहां से गुजरती है, कहां को जाती है ये राह, या ये राह हमारे अपने अंदर ही है? मैं बताता हूं ये आपको, अपने अंदर सीधी राह का होना बहुत ही अच्छी बात है। हर गैर जरूरी ख्वाहिश और जज्बे से पाक साफ कल्ब हो, हर बर अंगेख्तगी का एक एक करके खात्मा। सियाने कहते हैं कि इंसान कायनात का नमूना है, जो कुछ भी कायनात की किताबों में लिखा हुआ है इंसान से पढ़ा जा सकता है। जरा वजाहत तो कीजिए, आफंदी क्या कह रहे हैं, मुमकिन हो सके खल्क को तो समझाएं। आप लोग सोचते होंगे मैं बयान करता हूं इसे, गुजरे वक्त की बात है, अल्लाह का एक महबूब बंदा रहा करता था, वो एक बार हजरत खजर अलैहिस्सलाम को देख चुका था और दोबारा देखने की ख्वाहिश रखता था। वो सुबह शाम दुआ करता, या रब मुझे एक बार फिर उनसे मिला दे, मुझे खजर का दीदार अता कर, बस यही कहता रहता, हत्ता के खिज्र के इश्क में अक्ल से बेगाना हो गया। वो सहराओं पहाड़ों में कई साल तक भटकता रहा मजनू की तरह, कुछ साल बाद उसकी अक्ल लौट आई, वो गांव में अपने घर वापस लौट आया, मगर उसे हजरत खिज्र नजर ना आए। उसने दोबारा यही दुआ शुरू की,
है मेरे रब, देख तो सही क्या हाल हो गया है मेरा। फिर से मुझे खिज्र का दीदार नसीब कर, ख्वाह एक बार ही सही। तो फिर उसके सामने अचानक जाहिर हो गए हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम। वो शख्स तो हैरान ही रह गया। हजरत खिज्र बोले, तुमने रब से मुझे देखने की दुआ मांगी, मुझे बताओ क्या चाहते हो मुझसे। वो देहाती बेहद हैरत ज़दा था। वो बोला, या हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम, जब इतना आसान था आपका आना तो मुझे क्यों बरसों तड़पाया। या हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम, मैं आपकी वजह से अक्ल से बेगाना हो गया, पहाड़ों पर दीवानों की तरह फिरता रहा, आपकी तलाश में जा बजा सरगर्दा रहा। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा उस आदमी को पहना दिया और अपनी पगड़ी भी उस आदमी के सर पर रख दी। फिर बोले, अब से तुम खिज्र हो, जाओ बाजार और हर एक को नजर आओ। जब वो आदमी बाजार पहुंचा तो उस शख्स ने वहां जाकर क्या देखा। ऐ मेरे रब, किसी की दुम निकली हुई है, किसी के सींग हैं, कोई जमीन पर घिसटता जा रहा है। बाजार के चौराहे में दसियों किस्म की मखलूकात हैं, सुअर, चूहे, कीड़े मकोड़े, शेर, बंदर। दुनिया में जिस मानी और सूरत के हम हामिल होते हैं, हमारी सीरत भी वैसी ही होती है, तो फिर हम क्या कहते हैं। इंसानियत सूरत का नाम नहीं, इंसानियत बातिन का नाम है। अगर सूरत ही काफी होती तो सीरत की जरूरत ही न थी। फिर हुआ यूं कि इस शख्स के खिज्र बनते ही इस आदमी की आंखों पर पड़े पर्दे हट गए और हर किसी की सीरत, मानी, ख्यालात, हकीकी चेहरे दिखाई देने लगे। जालिमों को लकड़ भग्गे की सूरत में और गीबत करने वालों और दिल तोड़ने वालों को कुत्ते की शक्ल में देखा, बातिल और तबहम परस्ती को मानने वालों को सुअर की शक्ल में। ये सब कुछ देखकर वो गरीब दीवाना हैरत में पड़ गया। ये सब देखते ही वो दीवाना हैरत में पड़ गया, ये क्या हाल है मेरे अल्लाह। वो आगे बढ़ता रहा, फिर अचानक उन अजीब व गरीब मखलूकात के दरमियान एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए। दाढ़ी सफेद से सफेद तर और नूरानी आंखों और पाकीजा चेहरे वाले बुजुर्ग, ये देखकर कुछ राहत मिली हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की जगह लेने वाले गरीब को। वो फौरन नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग के पास जा पहुंचा। बुजुर्गवार, मैं खिज्र हूं, मुझसे किसी काम की ख्वाहिश है आपको, अगर है तो बताइए, मैं अभी कर देता हूँ वो काम। हाँ, जब कोई और मदद करने वाला न रहे तो खुद चले आते हैं खिज्र, वो शख्स बोला। बुजुर्ग ने उसे देखा और कहा, मेरे बच्चे तुम अपना काम करो, हमें खिज्र की जरूरत होगी तो हम खुद तुम्हारे घर आ जाएंगे। हाँ, तो ये बात है साथियों, ख्वाह ये दुनिया और इसकी सारी चीजें हमारी हों तो क्या ये हमें सीधी राह दिखा सकती हैं। मगर अपना हदफ न भूलना लाजिम है साथियों, अगर हजारों खिज्र भी हों तो हम मोहम्मदी हैं। अगर जर्रों की मकदार के बराबर भी खिज्र हों तो भी हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें इस शऊर के साथ, इस इदराक के साथ जीना चाहिए। क्या फेल नियत के मुताबिक नहीं होता साथियों? तौबा का दरवाजा तो मौजूद है, इस दरवाजे से किसी को लौटाया नहीं जाता। तौबा कांटे को गुलाब में, जहर को शहद में बदल देती है, लेकिन पहले तुम्हें अपने अंदर मौजूद मखलूक से वाकिफ होना होगा। वाकिफ हो ताकि देख सको, देखो ताकि इससे लड़ सको।
लकड़बक्खे, खंजीर, कनखजूरे तुम्हारे घर पर हमला कर चुके हैं। तो फिर क्या जेब देता है इंसान को मुंह फेर कर भाग जाना चाहिए, या इन तमाम आफात से जंग करके अपने घर को इसके मालिक के काबिल बनाना चाहिए।
क्या ये तुम हो आदम आफंदी? जी जी मैं ही हूं शेख मोहतरम। भूख लगी है? जी हाँ भूख लग रही थी, बस इसीलिए मैं यहाँ कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। कुछ नहीं है क्या? जी कुछ नहीं है। आटा भी है, मक्खन भी है, शक्कर भी है। चलो आग जलाओ फिर, मैं हलवा बनाता हूँ तुम्हारे लिए। हमारा हलवा बहुत ज्यादा मशहूर है। ये कैसा गुनाह है जो तुम्हें आग से बचने नहीं दे रहा यूनुस अफंदी? क्या फेल नियत के मुताबिक नहीं होता साथियों? तौबा का दरवाजा तो मौजूद है, इस दरवाजे से किसी को लौटाया नहीं जाता, लेकिन पहले तुम्हें अपने अंदर मौजूद मखलूक से वाकिफ होना होगा। वाकिफ हो ताकि देख सको, देखो ताकि इससे लड़ सको। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, 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 अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। जरा वहां से शक्कर तो उठाकर मुझे देना आदम आफंदी। रहमान रहीम। सुबह बखैर हो आपको यूनुस अफंदी।
आपकी भी सुबह खैर हो शेख मोहतरम। चलो आओ, हलवा तैयार हो चुका है, दो लुक्मे ले लो ताकि तुम्हारा दिन भी मीठा गुजरे। इजाजत चाहूंगा शेख मोहतरम। अगर तुम अपने गुनाह से बचना चाहते हो तो बता दो शेख मोहतरम को, वो तो वैसे भी हर बात से वाकिफ है, क्या छुपाए उनसे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं शेख मोहतरम। खामोश क्यों खड़े हो यूनुस अफंदी, कह दो शेख मोहतरम से, वही है जो इस गुनाह से तुम्हारी जान छुड़वा सकते हैं। शेख मोहतरम, मैं अपने दिल का हाल कहना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो मैं मत कहो यूनुस, मत कहो, ये मैं ही तो है जो इंसानों को मुब्तला करती है बलाओं में। अना की जड़ इंतहाई गहरी होती है इंसान के अंदर, अल्फाज चुनने से पहले हलवा पक जाता है। आओ चलो मिलकर साथ खाते हैं। हाँ क्या हुआ, ताले पड़ गए जबान पर? नहीं कह सकते उनसे कि मुझे कोई और काम दे दें और गुनाह के इस कुएं से बाहर निकाल लें? चलो जाओ, अगर तुम गुनाह की दलदल से बचना चाहते हो तो जाओ सीधा, बता दो शेख मोहतरम को, कह दो कि तुम्हें कोई और काम दे दें। जब तुम ही ना चाहोगे तो वो कैसे कोई और काम देंगे। जाओ यूनुस। या शाफी, ओ किसे खबर थी कि अपनी बालियों में लहलहाने वाली गंदम कभी हमारी हांडी में हलवा बन जाएगी। सब्र से तो कड़वे फल भी हलवे जैसे मीठे हो जाते हैं। जरा वहां से थाल तो लेकर आओ आदम आफंदी। शेख मोहतरम, ये लो भाई संभालो, चलो आओ साथियों आ जाओ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पसंद आया अजीज। मैंने इतना लजीज हलवा कभी नहीं खाया शेख मोहतरम। मजेदार हलवा बनाने के लिए आटा अच्छा होना चाहिए आदम अफंदी। हेर चक्की वाले को उसे मोहब्बत से पीसना चाहिए। चक्की वाले से भी पहले किसान को मोहब्बत से पौधा लगाना चाहिए और आखिर में गंदम के दाने को भी मोहब्बत से उगना चाहिए। क्या कोई दाना मोहब्बत के बगैर उग सकता है? नहीं, उग जाए तो कड़वा होगा। बहुत शुक्रिया शेख मोहतरम। आफियत और शिफा हो आदम। शेख मोहतरम। इल्ला हो। सुबह बखैर हो आप सबको। आकिबत भी बखैर हो कासिम। आदम आफंदी को भूख लगी थी जब हम आए तो वो खाने की तलाश में थे मगर खाने को कुछ तैयार नहीं था तो हलवा बना लिया हम दोनों ने मिलकर। आओ बैठो कासिम, बैठो, तुम भी लुक्मे ले लो। चलो यूनुस, चलो उठो, बरामदे में बैठकर सर्दी का लुत्फ उठाते हैं। बुलबुल की चहकार सुनी? बुलबुल का सरमाया उसकी खूबसूरत आवाज है, उसकी आवाज की खूबसूरती कुदरत के हसीन गीतों से है। वरना तो कव्वा भी परिंदा है बुलबुल की तरह, लेकिन हमारे हकीकत के गीत गाने वाले बुलबुल कहाँ हैं यूनुस? काफिर कुफर करते फिर रहे हैं, फितनाकार फितना फैला रहे हैं, तो हमारे अल्फाज सुनाने वाले कहाँ हैं इस झूठ की दुनिया में? हकीकत के शहद में डूबे शेर कहने वाले हमारे बुलबुल, शायर की बातों को झूठ कहा जाता है। मत मानना यूनुस, मत मानना, ये झूठ है। सुनो यूनुस, सुनो, हमें हकीकत का पता दे रहा है बुलबुल का गीत। झूठ की इस दुनिया के हर कोने में, हर सम्प में, इसीलिए तुम ये बात हमेशा याद रखना यूनुस, कभी ना भुलाना। हकीकत की बात न करने वाली जुबान उल्लू की होती है। शायर के अल्फाज में हिकमत नहीं होती अलबत्ता, हिकमत ये तो हकीकत में है।
क्या मुराद है इससे? बुलबुल की आवाज सिर्फ मेरे या तुम्हारे लिए नहीं, जुमला आलम के लिए खूबसूरत है। हकीकत की आवाज बुलंद हो तो तमाम के तमाम इतराजात फासिद हो जाते हैं, सिर्फ वहदानियत बच जाती है। यूनुस और क्या फरमाता है खालिक़े कायनात अपनी किताब में, या यूनुस, ऐ इंसानों, चूंकि हकीकत का मुखातिब इंसान है, एक एक इंसान फर्दन फर्द। यूनुस, तुम्हें भी हकीकत के गीत बुलबुल की तरह गाने चाहिए, ताकि दुनिया में हर इंसान वो जुबान समझ सके। भूलना नहीं यूनुस, हकीकत को तर्जुमे की जरूरत नहीं होती, मगर तज़किए के बगैर, सुकून के बगैर हकीकत जाहिर हुई है कभी? अगर तुमने अपना दिल न जलाया हो, अगर तुमने 40 चश्मों से गुस्ल न किया हो, अगर दिल को पाक न किया हो, तो हकीकत की कोपल फूट सकती है क्या? यूनुस, तुम जानते हो कि वो कहते हैं शायरों के अल्फाज झूठ होते हैं। कभी नहीं मानना यूनुस, कभी भी नहीं। भूलना नहीं, हकीकत की कोक से फूटने वाले अल्फाज हमेशा जमाने पर गालिब आते हैं। हाँ चलो, तुम्हें अपने काम के लिए देर हो जाएगी, नमाज पढ़ते हैं अब देर नहीं करते। दरवेश की पहचान उसके काम से है। बिस्मिल्लाह। बस वहीं जा रहा हूँ। मुझे कोई काम तो नहीं है आज, बस बाजार जाना है। अगर काम नहीं है तो बाजार जाकर क्या करोगे? वादा किया है मसूद आगा से। आपके हाथ को क्या हुआ? मामूली सी चोट है, ठीक हूँ मैं। मरहम लेकर आती हूँ मैं। ज़ायदा खातून, आपके लिए परेशान थे हम। इजाजत दीजिए मुझे। इजाजत तो हमें दीजिए। 100 अशरफियां लोगे तो सिर्फ एक नहीं, 2 चक्कियां लगा सकोगे तो, मगर हम सौदा करेंगे अपने मर्तबे के मुताबिक। हम तुम्हें 200 अशरफियां देंगे।